इस वक्त जो है वो डॉक्टर सवेरा से दोबारा से बात करते हैं। अच्छा सवेरा, हम बात कर रहे थे एलर्जीज के हवाले से कि किस तरह से किस किस टाइप की एलर्जी है, आपने हमें बताया, तो ये बताइए कि किस तरह से उन तमाम एलर्जीज से बचा जा सकता है। जो एलर्जी जिनका हमें पता होगा किस वजह से हो रही है, उसका पहला इलाज तो यही है कि हम अवॉइडेंस करेंगे उस चीज़ से, उस फूड से, उस इरिटेंट से, उस केमिकल से, या कोई भी दवाई से, या जो अगर आपको किसी बीमारी की वजह से है उसकी ट्रीटमेंट होगी, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं उसकी वजह से उसकी ट्रीटमेंट होगी, तो ये सब चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू द कॉज जो है हम ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर कोई है ऐसा एलर्जी है या अर्टिकेरिया है जिसको हम कहते हैं, वो अगर है तो इसका कुछ पता नहीं चल रहा है किस वजह से है, जो कि इडियोपैथिक जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, उसके लिए फिर हम कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। इसमें जो हम सबसे ज़्यादा मीडिएटर रिलीज होता है वो बॉडी में, वो हिस्टामिन है। तो हम सारे जितने भी एंटी हिस्टामिन्स हैं, H1, H2 ब्लॉकर्स, वो यूज़ करते हैं टू ट्रीट दिस एलर्जी। उसमें हम वो उनको एडवाइस करते हैं, नॉन सेडेटिंग टाइप हम दिन में देते हैं ताकि इंसान को उससे नींद ना आए और अपनी डेली एक्टिविटीज़ बसानी अदा कर सके, और जो हैं नॉन सेडेटिंग, जो सेडेटिंग हैं जिसे नींद आती है, उस वो हम रात में देते हैं ताकि इंसान वो दिन में काम भी जारी रहे और रात को रात में कंफर्ट लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव हो। अच्छा सवेरा, कुछ ये तो आपने मेडिकेशन की बात की है, कुछ एहतियाती तदाबीर जो कि बुनियादी तौर पर हर इंसान अपना सके इन एलर्जी से बचने के लिए, वो क्या है? अगर तो आप प्रोन है टू एलर्जी, तो आप हमेशा एक ध्यान रखेंगे आप क्या खा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं डिटरमिन करेगी आपकी लाइफ की क्वालिटी पे, क्योंकि अगर आप इफ़ेक्ट होते हैं तो आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट होती है। तो आप क्या खा रहे हैं, देखें आप क्या खा रहे हैं और आपको किस चीज़ से इंड्यूस हो रहा है वो अर्टिकेरिया, ठीक है, आप वो चीज़ मत खाएं। और आजकल तो बहुत आसान है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं कि जी मुझे एक डाइट प्लान दे दें कि जो हम फॉलो करें और जिससे मुझे मसला ना हो। जैसे कि हम जिनको कार्बोहाइड्रेट्स में मसला चल रहा होता है, उनको हम पटेटोज़, राइस वगैरह का कह देते हैं, और हम टमेटोज़ और इनसे रिलेटेड चीज़ें जितनी है ना, नट्स एंड सीड्स, वो मना कर देते हैं। तो हम कुछ कैटेगरीज अलाउ कर देते हैं, कुछ कैटेगरीज नॉट अलाउड कर देते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स की क्लासेस में से कुछ हम अलाउ करते हैं और कुछ हम मना कर देते हैं, कि जैसे काउज मिल्क ना लें, हैन एग्स ना लें, डेयरी प्रोडक्ट्स और ना लें, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम उनको मना करते हैं स्पेशली। और जो जिस प्रोसेस्ड फूड जो है ना, वो कैंड फूड जो है, वो हम कम से कम हम बिल्कुल मना करते हैं कि बिल्कुल दिस इज नॉट ताज़ा चीज़ें, ताज़ा चीज़ें, वेजिटेबल्स एंड सैलड्स जो हैं वो बहुत इफेक्टिव होती हैं, आपका इम्यून सिस्टम वैसे भी वो उससे बूस्टअप होता है, तो इसलिए फिर वेजिटेबल्स एंड जो सैलड्स हैं ना, वो मोस्ट सेफेस्ट होती हैं ऐसे लोगों के अंदर। स्पाइसेस जो हैं वो कम से कम, या फिर ऐसी स्पाइसेस जो जिससे वो नॉन एलर्जिक हों, उनको खुद भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा विद यूज़। अच्छा सवेरा, आपके पास किस टाइप के ज्यादा केसेस आते हैं, किस टाइप की एलर्जीज बहुत ज्यादा आती हैं? हमारे पास तो बिल्कुल जो है ना, वो आते हैं कि जी मैंने धप्पड़ बना है, मैंने खारिश की है और वो मजीद बढ़ गई है, और सुबह हुई है, शाम में ठीक हो गई है, लेकिन अब दोबारा बार बार हो रही है, और किसी खास चीज खाने के बाद हो रही है, लगाने के बाद, या कोई नया कपड़ा पहनने के बाद हो रही है। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जिससे कि आपकी बॉडी एक रिस्पांस देती है जिसको हम एलर्जी कहते हैं। तो उन सब चीज़ों को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं कि आप वो फैब्रिक ना पहने। अक्सर लोग वुलन फैब्रिक नीचे पहन रहे होते हैं विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्किन। वुलन फैब्रिक जो है ना, अक्सर एलर्जी कॉज करती है आपकी स्किन को, और वो उसकी वजह से आपको खारिश होती है, कभी धप्पड़ भी बन जाते हैं। तो आप हमेशा नीचे 100% कॉटन का फैब्रिक पहने और उसके ऊपर आप वुलन पहने, ताकि वो वुल आपके बॉडी के साथ इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना आए। अच्छा, और आपको गर्मी का ये बहुत कॉमन है, खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, ख्वातीन उनको सर्दी से बचाने के चक्कर में वुलन डायरेक्ट बॉडी के साथ पहना दे, लेकिन गलत तरीका है, मजीद मसाइल शुरू हो जाते हैं, मजीद होता है उनसे, उनको खारिश होती है, इरिटेशन होती है, खुश्की होती है जिल्द की। तो वो सब चीज़ें आप जो है ना आराम से अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस, कि आप जो है ना नीचे कॉटन पहनाएं और ऊपर वुलन पहनाएं, उसके ऊपर एक जैकेट पहनाएं, टोपी पहनाएं, वो सब चीज़ें जो है आपको प्रोटेक्ट कर देंगी, ठीक है। अच्छा, ख्वातीन की ज़्यादा पेशेंट्स की तादाद है या फिर मर्दों की भी है बहुत ज़्यादा? वैसे तो आम पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो 1 out of 5 जो पेशेंट है ना, वो इस एलर्जी के साथ कभी ना कभी एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये है कि ख्वातीन में बहुत सारे और फैक्टर्स भी ऐड हो जाते हैं ना, जैसे कि वो केमिकल्स यूज़ करती हैं, उससे उनको रिएक्शंस होते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट कैटेगरी है,
ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन वो उसमें आ जाती है, लोग समझते हैं कि ये एक एलर्जी है। से बात का आगाज करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद है, मोहम्मद अब्बास ने हमें फोन किया है जी इस्लामाबाद से, क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ। मुझे एक्चुअली जॉइंट जो है ना जी मेरे हाथ पे ज्यादातर इस पे कुछ दाने सुरख से निकले थे, तो डॉक्टर से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे कहा कि सोराइसिस है, तो प्लीज आप मुझे गाइड करेंगी कि इस सोराइसिस का क्या इलाज हो, क्योंकि काफी तकलीफ से दाने हैं मुझे। आपके दाने हैं कि कुछ सफेद रंग का छिलके बने हुए हैं उसके ऊपर एक खास गोल दायरे में या खास शेप में? नहीं, सुरख दाने हैं जी, सुरख दाने जॉइंट्स पे, खसूस हाथ पे, मेरे हाथों के इस साइड पे, हाथ जॉइंट हथेली के जॉइंट उस पे बने हुए दाने सुरख रंग के हैं, वो काफी तकलीफ से होते हैं। अच्छा, आपको और जोड़ों का मसला है साथ में? नहीं कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। उन पे आपको खारिश होती है? खारिश होती है जी। आपके कोहनी और घुटने कैसे हैं? उस स्केल से बने, जैसे डार्क ब्राउन स्किन हो जाती है घुटनों की स्किन जो है, ठीक है, डार्क ब्राउन स्केल से बने हुए हैं, ठीक है, घुटनों पे। सर के अंदर कितनी खुश्की है? खुश्की है काफी है सर में भी। ठीक है, लग रहा है कि आपको हो सकता है सोराइसिस हो, क्योंकि आपकी अलामत उस तरह की आ रही हैं, लेकिन देन अगेन हमें देख के ज्यादा पता लगता है। ठीक है मोहम्मद अब्बास, साथ रहिएगा, प्रोग्राम देखिए, आपको अभी जवाब मिल जाता है जो भी आपका मसला है। जी डॉक्टर सवेरा, सोराइसिस एक आम बीमारी है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वरना ये बढ़ती भी है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इफेक्ट करती है। इसमें हमने देखना होता है कि आपका कितना एरिया ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व्ड। अगर तो ज्यादा इन्वॉल्व्ड है तो हम फिर ओरल ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन अगर कम बॉडी एरिया इन्वॉल्व्ड है तो फिर हम टॉपिकल ट्रीटमेंट यानी कि सिर्फ लगाने की दवाइयों के साथ इलाज करते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि इनका कितना इन्वॉल्व्ड है, बैक एंड फ्रंट ऑफ द ट्रंक जो आपके जिस्म का हिस्सा है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, उसके हिसाब से फिर हम इनको टॉपिकल स्टीरॉयड्स, टॉपिकल इमोलियंट्स और बहुत सारी और भी हैं। अगर सिर्फ अच्छा, हाथों तक कुछ है, खाने तो पीने की एहतियात भी जरूरी है कि आपको ये खाना नहीं है, या फिर आपने हाथ जो है वो जैसे आप पहले कह रही थी कि एंटीबैक्टीरियल सोप के साथ वॉश नहीं करना, ये जरूरी है? ये तो दिस गोज फॉर एवरीबडी कि आपने एंटीबैक्टीरियल सोप्स नहीं इस्तेमाल करने, दिस गोज फॉर एवरीवन, चाहे वो सोराइटिक पेशेंट है या नहीं है, जो भी है, क्योंकि वो जनरली आपकी स्किन की फ्लोरा को डैमेज करता है, तो वो आपको अननेसेसरी इचिंग, अननेसेसरी इन्फेक्शन से प्रोन करता है, तो इसलिए वो तो आप हर किसी को एडवाइस करते हैं हम लोग कि ये इस्तेमाल ना करें। ये इस्तेमाल जहाँ तक सोराइसिस के बाद लोगों की बात है, उनकी जो है डाइट्री इसमें यह है कि सिर्फ ये कि खून में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, और चीज़ों की जैसे कि हम कुछ दवाइयों से परहेज का बताते हैं इसके अंदर, धूप से बचने का या कम जाने का बताते हैं इसमें, और अगर कोई इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी और सी का इसके साथ रिलेशन है, उन सब चीज़ों का हम उनके साथ उनसे पूछते हैं, यानी प्रॉपर टेस्ट वगैरह होने के बाद फिर आप कोई इलाज सजेस्ट कर सकते हैं। हमने देखना होता है कि कितनी बॉडी इन्वॉल्व्ड है, उसके लिहाज से हम उनको ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। ठीक हो गया। हम बात कर रहे थे कि कितने परसेंट पेशेंट जो है, वो आपने बताया कि हर 5 में से एक फर्द है जो कि एलर्जिक है, उसे किसी ना किसी तौर पे कोई प्रॉब्लम है, हो जाती है। अच्छा, मर्दों की कितनी तादाद है, खवातीन की तादाद ज्यादा है या फिर मर्दों की या बच्चों की? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्टिकेरियाज या एलर्जीज जो है ना, वो डिफरेंट लोगों में ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि सडनली ये होना, वो तो किसी में भी हो सकती है, मर्द या ख़वातीन का कोई इसमें फ़र्क नहीं है। और जहाँ तक किसी चीज़ के साथ होना, वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो है ख़वातीन में ज़्यादातर ठंड के मौसम में ज़्यादा मसले होते हैं, और आदमियों में और फैक्टर्स हो सकते हैं, फूड से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, लेकिन इतना कोई खास फर्क नहीं है, दोनों मर्द और ख्वातीन आर इक्वली अफेक्टेड बाय दिस प्रॉब्लम। अच्छा, जवेरिया कह रही हूँ, सॉरी सवेरा, सवेरा ऐसा भी होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको एलर्जी हो तो ये आगे ट्रांसफर भी होती है बच्चों में? हाँ बिल्कुल हो सकती है, इसमें से और चीज़ें भी ट्रांसफर हो सकती हैं, जैसे फैमिली में अगर कोई चीज़ एक रन कर रही है तो वो आपके अंदर ज़रूर उस चीज़ की अलामत नज़र आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन जैसे कि आपकी पहले से ही जैसे फैमिली में ड्राई है और आपकी भी बच्चे की भी ड्राई है, तो वो एक आप बच्चे को अपने इनहेरिट करेगा बच्चा आपसे, तो उसकी वो सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सवेरा, हमारे साथ मौजूद थी और डॉक्टर सवेरा ने हमें बताया कि किस तरह से अपना ख्याल रखना है। एलर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल है आजकल, और एलर्जी मसाइल से किस तरह से बचा जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया, सांसों ने वफा की, तो कल सुबह 9:05 पर
हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिए। अल्लाह निगहबान।